नमस्कार सुनीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेदू वड़ा। ये बनाना तो आसान है ही और खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये धुली उड़द की दाल ली है, इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसको 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। ये देखिए दाल को हमने भिगो दिया था 5 घंटे के लिए। दाल हमारी भीग कर तैयार है, बहुत अच्छी भीग गई है। ये देखिए दाल हमारा टूट रहा है, ये देखिए 2 टुकड़ों में हो रहा है। अब हम इसको मिक्सी के जार में इसको पीसेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं और ये जो उड़द की दाल हमने धोकर रखी थी भिगोई हुई, अब इस जार में डालेंगे। दाल को हमने जार में डाल लिया है। आप कोशिश करें कि इसको बिना पानी के ही पीसें, पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर नहीं पीसती है मिक्सी में तो एक बड़ा चम्मच पानी डाल सकते हैं। आप कोशिश करें कि बिना पानी के ही इसको पीसें। ये देखिए दाल हमारी पीसकर तैयार है, हल्की दरदरी हमने पीसी है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 2 चुटकी हींग। हींग आप जरूर डालें, इसे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और उड़द की दाल है तो ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ग्रेटेड अदरक, 1/2 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च और 1 करी पत्ते की डंडी। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है और इसको हमें खूब फेंटना है जब तक कि ये फूल न जाए। ये देखिए इसको हमने खूब अच्छे तरह से फेंट लिया है और इसको हम 3-4 मिनट तक हमने इसको बराबर फेंटा हुआ है। और इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में हम पानी लेंगे और थोड़ा सा ये हम दाल डाल के देखेंगे। अगर दाल ऊपर आ जाएगी तो ये हमारी अच्छी सी फिटके तैयार हुई है, देख सकते हैं। ये देखिए आप ऊपर आ गई है दाल, हमारी बहुत अच्छी फिटकर तैयार हुई है। गैस खोल दी है, कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल को हमें मीडियम गर्म कर लेना है। अब हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और ये दाल लेंगे, इस पे भी लगा लेंगे और दाल लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे और बीच में छेद बना लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए डो लिया, इस तरह से छेद बना लेंगे और फिर हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए मेदू वड़ा को हमें गोल्डन ब्राउन तक दोनों तरफ सेक लेना है। मेदू वड़ा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छे तरह से दोनों तरफ से सिककर तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मेदू वड़ा हमारा बनकर तैयार है, इसको हमने सांभर के साथ इसे सर्व किया है। इसके साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा। बरसात के मौसम में सांभर वड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इसको आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, चाहे उड़द की दाल से बनाएं, दोनों में ही ये बहुत अच्छा लगता है। मेदू वड़ा हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर हम आपके सामने आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।